पानीपत में जीटी रोड के पास एटीएम से लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां करीब 4 लुटेरों ने सिंडिकेट बैंक के एटीएम को तोड़ दिया और उसमें मौजूद लाखों रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। एटीएम के पास तैनात गार्ड के मुताबिक एक गाड़ी में करीब 4 लुटेरे एटीएम रूम में घुसे और हथियारों के बल पर उसे बंधक बना लिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद 4 लुटेरों में से 2 एटीएम रूम के बाहर निगरानी के लिए खड़े हो गए, बाकी बचे दोनों लुटेरों ने एटीएम तोड़कर उसमें मौजूद रकम को लूट लिया। तकरीबन 11 बजे की बात है जी। अच्छा जी। तो दो लड़के आए तो नाते मेरा पिस्टल लगाया। अच्छा जी। पिस्टल लगा के मैं तेन गाया तो अगर जिंदगी प्यारी हो तो चुपचाप रहो, नहीं तो हम तेरे गोली मार देंगे। तो मेरा मोबाइल छीना चोप कर दिया, तो मेरा जो हाथों का पट्टी बांध गया, पन्नी टेप बांध गया, उन्होंने एक पुणे में कर दिया नहीं गया, सत्र बंद कर गया तो मैं एटीएम लग के पा लूँ। आज की माने तो इस दौरान सड़क से पुलिस की गाड़ी भी सायरन बजाते हुए वहां से गुजरी थी। उस दौरान सायरन सुनकर लुटेरों ने कुछ देर के लिए एटीएम का शटर गिरा दिया था और शांत होकर अंदर बैठ गए ताकि पुलिस को कुछ पता न चले। फिलहाल गार्ड के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात को हमारे पास सूचना आई करीब 12:30 बजे, किसी ने फोन किया कंट्रोल रूम में कि एटीएम को लूटने की वारदात हो गई है। करीब 11:45 बजे दो आदमी मुंह बांध के एटीएम में घुसे और उन्होंने पहले गार्ड को बंधक बना लिया असला के बल पे और फिर तोड़ने की कोशिश की। फिर एक दिन एक दो साथियों का बाहर जो उनको इन्फॉर्मेशन देना था पुलिस की, उसको बुलाया और एटीएम तोड़ के वहीं पैसे निकाल के वो चले गए। लगभग 5 लाख रुपए के लगभग बताए जा रहे हैं। अभी खाता कंगाल रहे हैं, कितने पैसे थे उसके हिसाब से बताया जाएगा। वहीं से निकाल के ले गए हैं एटीएम बार, वो छत पे था, लगभग पैडियों पे जाकर ऊपर था और अंदर साइड था, उसमें गार्ड भी अंदर ही था। किसी ने ये बताने के मतलब पता नहीं लगा किसी को कि यहाँ पे लूटपाट की घटना हो रही है। सिंडिकेट बैंक का